मैडम आ रही है। मैडम तो रोज आती है। तुम्हारी 400 रुपया तनख्वाह बढ़ाने के बाद भी ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या चारी जी, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। मेरी बीवी ने मुझे नई पैंट शर्ट खरीद के दी है। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है ना। ओह, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू मैडम। इसीलिए तो आप दुल्हा नजर आ रहे हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। आपको साइन करने के लिए मैं कुछ चेक्स लाया हूँ। कितने के? 35। सुबह सुबह 35 बोले तो मुश्किल है। लंच के बाद करूंगी, ताकत मिल जाएगी। हाँ, और 17th को दिल्ली में प्रेस काउंसिल मीटिंग है, टिकट बुक करवा दूं? मैं नहीं जाऊंगी, राम मोहन जी को भेज दीजिए। तो फिर 24th को सिंगापुर में? वहाँ भी नहीं जाऊंगी, उन्हीं को भेज दीजिए ना। मैम कुछ नहीं करोगी, कहीं नहीं जाओगी तो कैसे चलेगा? लाइफ बहुत बोर लग रही है चारी जी। सुबह उठते ही वही रूटीन, लाइफ में कुछ थ्रिल नहीं रहा। कैसी रहोगी थ्रिल्ड? प्यार करने की उम्र में पेपर चलाओगी तो बोर तो होगी ना। प्यार व्यार कुछ नहीं है, एक अच्छा सा लड़का देखिए मैं शादी कर लूंगी। अपनी पसंद का लड़का तो बताओ। बिल्कुल आपके जैसा। मेरे जैसा? उम्र थोड़ी बड़ी होगी तो। चारी जी आप भी ना कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं आप। कोई सुंदर लड़का देखकर तुमको सेटल हो जाना चाहिए, मेरी तो बस यही राय है, तुम मानती क्यों नहीं? आप कुछ ज्यादा ही फील कर रहे हैं। उम्र बढ़ गई ना मैम तो फीलिंग ज्यादा होती है, तुम रुक क्यों गई? अंदर कुछ बची भी है मैम। मलयालम में है और लिखा हुआ हिंदी में है, पढ़ो तो इसे। मणि, तुम्हारी वसंता कौन है? ये मणि वसंता सी वेव शिपिंग कंपनी एर्नाकुलम का लेटर हेड है मैडम। इसमें डेट देखने से मालूम होता है ये 2 साल पहले की है। ठीक है आप जाइए। चारी जी हाँ? ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। कहीं केरल में लिखकर छोड़ी गई बॉटल 2 साल ट्रैवल करने के बाद गोवा आ पहुंची। सरप्राइजिंग, देखने से लव लेटर लग रहा है। नाम देखने से मणि वसंता दोनों लड़कियों के जैसा है। नहीं, मणि जरूर लड़के का नाम है। ये मणि और वसंता कौन है? ये लेटर लिखते समय दोनों बिछड़ गए होंगे, फिर मिले या अब तक नहीं मिले? अगर बिछड़ गए तो कैसी स्थिति में बिछड़े होंगे? ये 2 साल में क्या दोनों की अलग अलग शादी हो गई होगी या एक की हुई होगी एक की नहीं? उस लड़की ने लेटर को बॉटल में रखकर क्यों फेंका होगा? इस लेटर के पीछे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, ये मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हाँ, एक काम कीजिए, कल इस बारे में अपने पेपर में एक कॉलम लिखिए। बॉटल लाइव संदेशा कैप्शन में लिखिए, केरल से बिछड़े 2 प्रेमियों का प्रेम संदेश गोवा पहुंच गई, ऐसा लिखिए। कल कैसे भी हो कोचिन फ्लाइट की टिकट बुक कीजिए। कोचिन के लिए? हाँ। ये कॉलम कंटिन्यू कीजिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो शादी की बात? इस उम्र में भी आपको शादी की पड़ी है? छी, बाप रे। केरल में लिखकर छोड़ी हुई बॉटल 2 साल ट्रैवल करने के बाद गोवा पहुंची। गोवा से कोचिन जाने पर मनी और वसंता के बारे में जरूर पता चल जाएगा। बोतल लाई संदेशा, केरल से बहकर गोवा आई एक प्रेम कहानी बोतल लाई। चंदन की आरती, नित्य चंदनम चाहती।
चाहिए? सी दिस मार्केट कंपनी फिशिंग कंपनी. सी मैडम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक प्रॉपरली, डोंट कंफ्यूज मी. 100% लिटरेट लग रहा है. हाँ, सी, कैन यू टेल मी वेयर इज सी वेज फिशिंग कंपनी? व्हाट? सी वेज फिशिंग कंपनी. ए, ये क्या हो रहा है? मेरे भाई को क्यों मार रहा है? कौन है बे तू? गुंडा है क्या? ऐसे बेवजह क्यों मार रहा है? हम सब मिलके मार देंगे तेरे को. तू कौन होता है रे बीच में बोलने वाला? तुझे पता है ये कौन है? मार खाने का शौक है क्या? ए, चाहूं तो दोनों को एक साथ मार सकता हूं, देखेगा? कर उससे कह देना जिंदा रहना है तो मेरे रास्ते मत आना. रजनी चलो. खींच क्यों रही है? वो कहेगी ना एक ही जगह के है ना. परसों ऐसे एक आदमी को नजदीक किया तो उसने मेरा पॉकेट मार दिया. मैं पॉकेट मार दिखती हूँ? तुम्हारा पॉकेट से क्या लेना देना? मतलब गोवा में अनजाने लड़के दोस्ती करना मना है? ऐसा गोवा में चलता नहीं. Yes. Why are you looking at me? Just like that. You are looking smart. Thanks. You are looking smart. Thank you. आपका नाम क्या है? रजनीकांत. क्या? एक बार बोला मतलब 100 बार बोलना. कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है. आपका नाम? पल्लवी. ओह, पल्लवी रजनीकांत. No, Mrs. पल्लवी रजनीकांत. Good. नामों को क्यों मिला रहे हैं आप? Just check कर रहा हूँ बस. भैया आप कहाँ हैं? क्या बोली? यही कि आप कहाँ रहते हैं? नहीं, उससे पहले कुछ और बोला था. मैंने तो भैया बोला था. भैया अब और क्या बचा? तुम में इंटरेस्ट खत्म हो गया. बाय. ए, भैया 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 भैया, आप और मणि यहाँ रहते हैं? ये आपका ही घर है क्या? अरे पहले कहा ना वही मणि है, अब क्या यही आपका घर है बोले जा रही है? ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है. क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं तो क्या, सुबह सुबह मुझे भैया कह के परेशान कर रही हूँ. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ओए रजनी. ये क्या रे? आप उप्पा बनाने वाले तो है नहीं, मैंने बनाया है, रंग ज्यादा हो गया है. ये लड़की कौन है? मुझे भी नहीं पता. आप चाहे तो मैं बनाऊँ, काजू डाल के अच्छी तरह बनाऊंगी. पहले ये बताओ तुम कौन हो? टूरिस्ट हूँ, केरल देखने आई हूँ. तो जाओ केरल देखो, यहाँ उपमा नहीं है. ए, क्या है? चला. भैया भैया, सामने वाली कॉटेज आपकी है क्या? मेरी नहीं है. तो किसकी है? जिसने लिया है उसकी है. मतलब यहाँ आप दोनों रहते हैं? हाँ, तुम्हारा भी रहने का इरादा है क्या?
मणि का पूरा नाम क्या है? ये आखिरी सवाल है, फिर नहीं पूछोगी ना शिवामणि? बस एक और लास्ट क्वेश्चन भैया, उनकी शादी हो गई? मेरे बारे में नहीं पूछ सकती हो क्या? तुम्हारी शादी हुई तो क्या, ना हुई तो क्या? नहीं बताऊंगा। ओए, हुई कि नहीं बताओ? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई अब तक? क्यों बताऊंगा तो, वो एक बड़ी कहानी है। ओके, बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है। शिवमणि। हाँ? ये नाम तो कुछ सुना हुआ सा लग रहा है। मैम तुम आखिर उससे मिली कि नहीं? मिली थी। क्या कहता था, कौन है वो आदमी? थोड़ा जिद्दी सा लगा मुझे, यूं ही आसानी से बताने वाला नहीं है वो। मैम कुछ भी हो, अपने कॉलम को टेरिफिक रेस्पॉन्स मिला है, ऑफिस में कंटिन्यूस फोन्स और लेटर्स आ रहे हैं। तुम उससे फौरन मिलो, लेटर और वसंत के बारे में पूछताछ करो। कॉफी इसे पीने की हिम्मत कर सकता हूँ? हाँ मैंने बनाई है, क्यों नहीं कर सकते? क्यों रे, हाथ हिलाने वाले को जानता है तो? वो बस हाथ हिला रही थी, मैंने मिला दिया। क्या शिवामणि जी, कॉफी पी रहे हैं क्या? हम पिए ना पिए, इसको क्या करना, बोलो मुंह बंद रखे। तुम कुछ ज्यादा ही बात बनाती हो, मुंह बंद रखो, ऐसा बोला वो। हाँ समझ गई, आज से मैं यही रहने वाली हूँ। नाश्ता अच्छा है, किसने बनाया? वो दुगली ने, वो सामने घर से मेरी बहन से लाया हूँ। वो कौन होती है देने वाली? क्यों अच्छी नहीं बनी क्या? बहुत देखी है ऐसी खिलाने वाली। इतनी मेहनत से बनाया और आप चिढ़ा रहे हैं। इडली बेचने वाली दिखती हूँ क्या? इतने प्यार से बनाया मैंने। तुम हमारी देखभाल करने नहीं आई हो? ए, अगर ऐसा इडली डोसा दोबारा लाया ना तो चमड़ी निकाल दूंगा। आपके गुरु को बीपी है क्या? बीपी नहीं है, पागल हूँ मैं। इसमें क्या हुआ, हर एक को कुछ ना कुछ होता है। हाँ आप कितने दिन से यहाँ रहते हैं? तुम केरल छोड़ के कब जाओगे? तुम केरल देखने आई हो ना, देखो और जाओ, दिमाग में चाटो।
देर क्यों लगा दे? वो क्या है साहब ना, आपको तो पता है कि... अच्छा ठीक है जल्दी करो, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है इसलिए देर हो गई। वोट है? नहीं साइकिल है। आप हमेशा चिड़े चिड़े से क्यों रहते हैं? क्यों डिस्टर्ब करती रहती हो? क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? ये टूरिस्ट बोट नहीं है, टूरिस्ट बोट वहाँ है, जाओ उसमें बैठो। हेलो, अच्छा गाती हो, आवाज अच्छी है। थैंक यू। बेसिकली मैं ना ये बेसिकल क्लासिकल मुझे मत सुनाओ। गाने की तारीफ क्या करती, तुम तो चिपकने ही लग गई हा? वो क्या है कि क्या है? अपनी खुशी और गम के बारे में बात करनी थी। मेरे पास तुम्हारी खुशी और गम सुनने का टाइम नहीं है, टूरिस्ट बोट वहाँ है, वहाँ जाओ। शराब, चिकन, सोडा, आइस, क्या ये सब तुम्हारे लिए है? हाँ, मुझे आदत नहीं है। तो कोई दोस्त आ रहा है क्या? हा? तुम आए हो ना भैया? ना, ये सब मेरे लिए है? हाँ, बिल्कुल। मुझसे तुमको कितना प्यार है बहना, पहली बार औरतों को विश्वास आ गया है बहना। ये चिकन भी खा सकता हूँ? चिकन भी तुम्हारे इंतजार में है, चबाओ। थैंक यू। शिवा मणि कौन है? इस वक्त ये जरूरी है क्या? ये वक्त ये जरूरी है भैया? बाप रे बाप, बहना मुंह से शराब मत छीनो, दे तो मुझे। हाँ तो बताओ, शिवा मणि कौन है? बड़ा गुंडा है क्या? सिर्फ गुंडा क्या, गुंडों का गुंडा। गोवा मालूम है? पुराना मार्केट मालूम है? मैं पुरानी मार्केट में जेब काटता था, उस वक्त पहली बार शिवमणि को देखा था। अरे गांगुली ने फोर मारा है। है? अरे नहीं, अब एक सिक्स मारा है। अबे क्या, हमको फूल भेजूंगा क्या था ना, क्यों नहीं भेजा? सब लोग कह रहे थे कि आपने शराब छोड़ दी, तो अगर आज नहीं भेजा ना तो तोड़ दूंगा। बाप रे, आपसे मजाक खेल दूंगा। एक चाय बोल। एसआई साहब को स्पेशल चाय लाना रे। अरे पैसे मैं दूंगा, मार खाएगा, चल जा। ये बताओ, इसका चाय झाड़ू नहीं है? क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। ठीक है, ये कितने का है? 15 रुपया। इसमें दो लूंगी, साथ में एक छोटा भी चाहिए। ऐसा कैसे चलेगा? सुनो, ये गाना किस फिल्म का है? वॉइस का है। अब बताओ ये कौन से फिल्म का गाना है और ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है? कल मार्केट में कौन कौन से नए गाने आने वाले हैं ये भी बता दो। इसे सुनो, पहले इनसे सामान के पैसे ले लो। अबे मंदिर बन रहा, चंदा दे चल। हेलो भैया, 100 रुपए में मंदिर बनेगा क्या? इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ भैया। एक मारूंगा। मंदिर किसके लिए बन रहा है? तेरे लिए, तेरी सुख शांति के लिए। बात तो निकाल, चल। ले लो भैया। चल रे, उसने दिया क्या चंदा? चल उसके बाद चल। माँ तुम रुकना, मैं अभी आया। ए कैसा रे, चंदा निकाल चल मंदिर के लिए। साहब माँ देखिए कुछ गड़बड़ है। देख रहा हूँ, आंखें आपकी नहीं हमारी भी है। वहां कोई गड़बड़ नहीं है, मंदिर बनाने का चंदा मांग रहे हैं। चंदा हो, जाओ अपना काम देखो। ओके हो, मंदिर के नाम पर परसों ही तो चंदा दिया था ना। अब वो मंदिर नहीं है, दूसरा मंदिर है। रोज रोज मंदिर बनेगा तो कैसा चलेगा? ए, रुको रुको, हम दोनों का चंदा मैं दूंगा। कौन सा मंदिर बना रहे? तुझे बताना पड़ेगा। बताओगे तो चंदा दूंगा ना। गणेश मंदिर। गणेश की माँ कौन है बताओ? माँ कौन? लक्ष्मी देवी, सीता देवी। लक्ष्मी देवी के संतान नहीं है। अरे जाने दो, गणेश जी उन्हीं को कहते हैं ना, वो जिनका बड़ा मुंह होता है, लंबी पूंछ होती है। वो बजरंग बली है, सूंड रहेगा तो दांत रहेंगे ना वो। तुम्हारा दोस्त है क्या बेटा? अबे हम अपनी पसंद का मंदिर बनाएंगे, चंदा देगा कि नहीं? दस रुपया में क्या होगा? अबे 10 रुपए दे रहा हूँ यार, 10 रुपए आराम कर। Oh!
क्या वे मारेगा मुझे? मेरे एरिया में तुम गुंडागर्दी करोगे? आता डबे बे, तू मुझे बे कहेगा? थाने ले जाकर तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। तू क्या थाने ले जाएगा? थाने तो तुझे मैं लेकर जाऊंगा। चल अभी तेरी चाबी निकालता हूं। थाने, अरे बाप रे बाप, ये कौन है? ये तो किसी को नहीं छोड़ रहा है। शर्म नहीं आती आपको? आप में और इनमें फर्क क्या है? डिपार्टमेंट की इज्जत का जनाजा निकाले? सरकार आपको तनख्वाह क्यों देती है? गुंडे और बदमाशों का साथ देने के लिए? चर्बी उतार दूंगा एक एक के। ऑफिसर, मेरी सीट कहाँ है? वहां सर। तेरा नाम क्या है? जलील, जलील खान सर। तेरा? मलेश्वर राव सर। और तेरा? सत्यनारायण सर। रामू सर। मलेश्वर राव सर। कल से हम सब लोग डाइटिंग शुरू कर रहे हैं। डाइटिंग यानी चिकन मटन की नहीं, रिश्वत की डाइटिंग। सुन लो, अगर पूरे मार्केट में से किसी ने एक पैसा भी लिया तो थोड़ा थोड़ा कर मारूंगा, समझे? साहब साहब, आपके लोगों ने मेरे 2000 रुपए दबा लिए हैं। अबे चुप, तुझे बाद में देखूंगा। इधर आ, कल मुझे 9 बजे पूरे मार्केट के सब गुंडे, बदमाश और जेब काटने वाले यहाँ चाहिए। क्या? ये सर। जाओ। ये क्या है साहब? यमराज आया रे। कहाँ है साहब? अरे दिखाता हूँ, चल। अरे किधर लेके जा रहे हैं साहब? चल दिखा दो सही। ए चल साले, क्या बात है साहब? सब मुझे क्यों मार रहे हैं साहब? अरे क्या किया साहब? मेरा नाम शिवमणि है, मैं थोड़ा पागल हूँ, पुराने मार्केट का सर्कल इंस्पेक्टर। मैं आप लोगों से ये नहीं पूछूंगा कि अब तक क्या करते थे, आज से सब छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि एक बार में छोड़ना मुश्किल है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। क्यों? सही कहा ना मैंने, नहीं छोड़ पाओगे? हाँ साहब, नहीं छोड़ेंगे। अबे चुप, कहा ना मैंने मैं पागल हूं? अगर गलत काम करो तो हर रोज रात को सोने से पहले प्रणाम कर लिया करो कि तुम शिवमणि के हाथों से बच गए हो। क्या है बे, ऐसे क्या देख रहा है? मारेगा मुझे? पुलिस डर नहीं लगता तेरे को? कभी सपने में नहीं आया क्या? अब आएगा, ये शिवमणि आएगा। चाचा, चमड़ी उतार के लटका दूंगा एक एक की। जाओ। ए, बहुत हो गई मंदिर और मस्जिद, पुराने मार्केट में जितने हैं काफी है, और नए बनाने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ जाओ जाओ। बड़ी देर से देख रहा हूँ कि तू मेरे बगल में ऐसे खड़ा है जैसे तुझमें और इन लोगों में कोई संबंध ही नहीं है। सच्ची मेरा उन लोगों से संबंध नहीं है। ये तो बहुत बड़े गुंडे हैं, मैं तो बस 20-30 रुपया कटिंग करता हूँ। तो तू क्या करता है? मंदिर के सामने चप्पल, जेब, रुमाल और उसके साथ बटुआ भी। साहब पेट का सवाल है ना साहब, वैसे मेरा पर्सनल कैरेक्टर बहुत अच्छा है साहब। तेरा नाम? रजनीकांत। ये नाम तेरे माँ बाप ने रखा? नहीं साहब, मेरा नाम रखने में माँ बाप सोच में पड़ गए, इसलिए मैंने खुद रख लिया। बादशाह देखिए। देखा हूँ साहब। कितनी बार? 3 बार देखा है। उसका गाना सुनाओ। चिल्लाना चिल्लाना टिकी टिकी चिल्लाना 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 चिल्लाना। बस बस रहने दे, चल। पास में कोई म्यूजिक शॉप है? आगे है साहब। चल दिखा, वहाँ कोई अच्छी सी सीडी मिलती है क्या? पायरेसी वाली तो नहीं मिलती? अरे नहीं साहब, सचमुच पागल है। आपको गाने गाना पसंद है ना? गाने मेरी जान है। आप ये क्या गा रहे हैं?
इस तरह उल्टा पुल्टा और बेसरा गाना मत गाओ, म्यूजिक से डर लगने लगेगा। ये शॉप तेरा बाथरूम नहीं है, बाकी लोगों को शांति से रहने दो। ए! मत करो, समझी? शुक्रिया। से देखने की जरूरत नहीं है, कुछ गलत नहीं कहा है मैंने। हम लोग दुकान में खरीदारी करने के लिए आए हैं, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। ये क्या है? ये मेरा है। तुम्हारा है, लेकिन देखने दो। नहीं दिखाऊंगी। चलो नाम बता दो। नहीं बताऊंगी। अरे बता दो ना। गो एंड सर्च। गो एंड सर्च। ये एल्बम कहाँ मिलेगा? सर वो उस तरफ तीसरे रैक में। ये बताने में नानी मर रही थी। अरे तुम तो रोने लगी। हाँ, मुझे रोना ही आता है, गाना नहीं आता। अरे नहीं, वो ऐसा है कि एक बार वो क्या हुआ? किसने भी मुझे इतना नहीं रुलाया। आपको याद रखूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो तो ना, याद रखूंगी। अरे सुनो, हेलो सॉरी। क्या साहब, आपने उन्हें रुला दिया? उस लड़की ने पैसे भी नहीं दिए। नहीं दिए? कितने पैसे थे? मैं कैसे बताऊं साहब, क्या लेकर गई है यहाँ से? आप 1000 दे दीजिए। तो बस चूना लगा गई। एक ये। माफ कीजिए, मैं आपके पैसे देना भूल गई थी। उन्होंने दे दिए? किसने दिए? वही जो आपको रुला रहे थे। तो आपने लिए क्यों? आपने नहीं दिए थे ना। ये लीजिए, उन्हीं को दे दीजिए। लेकिन वो है कहाँ? मुझे क्या पता, आप ही को मालूम होगा। ए रजनी, क्या प्रैक्टिस कर रहा है जेब काटने की? अरे बाप रे, मैंने जब ही बताया था मेरा पर्सनल कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बस ब्लेड दिखाई दिया तो मेरा हाथ खाली नहीं रहा। अरे वाह रे वाह, कितनी नरम है, कितनी मुलायम है। अरे वाह रे वाह। ये क्या टमाटर छेद कर पूरा रस निकाल रहे हो? इससे पहले क्या काम करते थे? मंदिर के बाहर चप्पल पोंछता था, छोटे बच्चे को संभालता था, सबके संभाल की देखभाल करता था। कितने पढ़े लिखे हो? डिग्री जी। यानी कि 3rd डिग्री? हाँ। बाप रे, अब इसकी क्या जरूरत? देखो अखबार में तुम्हारे बारे में लिखा है। पुरानी मार्केट में आया नया सर्कल इंस्पेक्टर शिवामणि ने आज बदमाशों और गुंडों को बुलाकर उनको अपने काम छोड़ने के लिए और बदल कर जीने का आदेश दिया है। कुछ लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा की है। आते ही शुरू हो गए? शुरू क्या मैम, सबकी कटिंग हो गई, सिर्फ एक को छोड़ के। क्या कहा? असली आदमी को छोड़ दिया। कौन है वो? दत्तू को। क्या काम करता है? ये पूछिए क्यों क्या नहीं करता। परसों आपने वार्निंग दी थी, उन लोगों का वो लीडर है, उससे तो आपका डिपार्टमेंट भी डरता है। इस वक्त कहाँ मिलेगा? जानता हूँ। चलो दिखाओ मुझे। किसको? दत्तू। कौन ये दत्तू? कौन है? ए, मार खाएगा। देखिए भैया, आपके घर में काम करने का मतलब ये नहीं कि मैं सब काम करूं। क्यों रे, तेरे नाम पे कितने मामले दर्ज है थाने में? मर गया, दत्तू का घर मैं क्यों ना जानू। चलिए मैं दिखाता हूँ, आइए चलिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? काम हो रहा है। दत्तू कहाँ है? ए, वो अंदर बिजी है, मुझसे बात कर। क्या हुआ रे रजनी? भैया मुझे कुछ नहीं मालूम, तुमको ना दिखाया तो मुझे मार देगा ऐसा बोल रहा था। शिवमणि, नया सर्किल इंस्पेक्टर। भैया माफ करो, मैं साइड में हो जाऊंगा। अच्छा तो तुम, सुना है कल तुम सबको वार्निंग दे रहे थे? लगता है तुम लोगों का टाइम आ गया है, वर्दी पहनने से हीरो बन जाता है क्या? अब तक वर्दी पहन के यहाँ कोई नहीं आया था, क्या समझता है अपने आप को? तेरा यूनिफॉर्म देखकर हम लोग डर जाएंगे, डर के भाग जाएंगे यहाँ से, जाने वाले नहीं है।
पता कर ले मैं कौन हूँ क्या हूँ। दत्तू दत्तू क्या है, पूरे मार्केट में जाके पूछ, गोवा में पूछो, वास्को में जाकर पूछो, पणजी जंक्शन में जाकर पूछो, जाओ। अब क्या करेगा बोल, क्यों पूछो किसी से? अरे आवाज उठा रहा है, तू केवल सर्कल इंस्पेक्टर है, एसीपी मालूम है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हर शनिवार को मेरे यहाँ दारू पी के जाता है, कृष्णा राव मालूम है, डीजीपी मालूम है। बेल्ट उतारा है, शर्ट भी उतारूंगा, अब मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं है, मैं पुलिस वाला नहीं हूं, तुझे सबक सिखा के जाऊंगा। अब बता कृष्णा राव कौन, अप्पा राव कौन, क्या रे दत्तू, तू मेरे बारे में नहीं जानता, मैं थोड़ा पागल, बाप रे इसकी भी धुलाई हो गई, गलती से पार्टी बदल गई। ए, कल से सब छोड़ दो यार, कल से फिर धंधा शुरू करूंगा, क्या कर लेगा तेरी तो? मुझे नौकरी करते 4 साल हो गए, 8 ट्रांसफर ले चुका हूं, किसी भी थाने में जाके पूछो, शिवमणि ने धंधा बंद करने के लिए कहा तो समझो धंधा बंद, एक ने भी कह दिया कि उसने धंधा चालू रखा है तो तुम चालू रखना, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। माँ तुम जाके दर्शन करो, मैं यहीं रुकता हूँ। बेटा जानते हो मैं मंदिर क्यों आती हूँ? क्यों माँ, मेरी शादी करा के मुझे जल्दी से बर्बाद होते देखकर खुश होना चाहती हो तुम, है ना? ठीक है तुम ऐसा ही सोचते रहो, मैं दर्शन करके आती हूँ। हाँ, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ क्या कर रहा? माजी के साथ पूजा के लिए। अरे तू तो दत्तू की पार्टी का है ना, यहाँ क्या कर रहा? मुझे क्या मालूम था आप इतने लोगों को मारेंगे, अपनी सेफ्टी के लिए साइड आ गया। ठीक से रहेगा या फिर से जाएगा? यही परमानेंट रह जाऊंगा। चल जा पूजा कर। चलो बापरे शिव 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 शिव। रामा 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 न्यारी आपकी महिमा, ये क्या तुमने दत्तू जी के साथ मारपीट क्यों की? दत्तू जी नहीं सर, दत्तू गुंडे के घर गया था। क्या समझते हो अपने आप को, आगे पीछे सोचते नहीं क्या? तुम्हारा दिल जो कहेगा वो करोगे? जो दिल ने कहा वो दिमाग ने किया, मैंने उन गुंडों के घर जाकर उनके दारू और ड्रग्स वगैरह को आग लगा दी। फिर भी तुम अकेले क्यों गए थे? डिपार्टमेंट को जानकारी देना, रेड करना, पकड़ना, केस लगाना, ये सब एक प्रोसेस है, रूल है, ये सब छोड़ के अपनी मनमानी करोगे? कितना दे रहा है वो दत्तू आपको, कितना घूस दे रहा है? क्या बात कर रहे हो तुम, आपको पता है कि वो आपके बारे में क्या कह रहा था? हर शनिवार को आप उसके घर में जाकर दारू पीते हैं, ये कह रहा था वो। शर्म नहीं आती आपको? डिग्री ली है आपने, मुझ में इतनी समझ है, तो आप तो आईपीएस हैं, आप में इतनी समझ नहीं है क्या? क्या है तुम्हारी सिंसियरिटी, क्या कर सकते हो, हम निकम्मे हैं क्या? हाँ साहब आप सचमुच निकम्मे हैं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, आप भी वैसे ही रहिए। क्या करोगे तुम, क्या कर लोगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये प्रेस मीटिंग किस लिए सर? पुराने मार्केट के हो? हाँ सर। पुराने मार्केट के दादा का नाम क्या है? दत्तू साहब। उसका राइट हैंड? बद्रम साहब। और लेफ्ट?
सूरी, सोनू और शक्ति साहब। पुराने मार्केट के सीआई का नाम जानते हैं? नहीं साहब। ये है यहाँ का एसआई, नाम मालूम है? नहीं साहब। इसीलिए प्रेस मीटिंग है, समझे? समझ गया साहब। मेरा नाम शिवमणि है, पुराने मार्केट का सर्कल इंस्पेक्टर। समस्या ये है कि पुलिस और पब्लिक का रिलेशन बहुत कम है, उनके पास जाने से ठीक रिएक्ट नहीं हो रहा है। पब्लिक महसूस कर रही है कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग आपके लिए हैं। आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कीजिए। मेरा नंबर है 9848022238। 9848022238। पुराना मार्केट एक बहुत छोटी जगह है, आप जिस वक्त फोन करेंगे मैं 2 किलोमीटर की दूरी पर रहूंगा और 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैं हमेशा पुराने मार्केट में रहूंगा आपके लिए, आपको जरूरत हो तो फोन करिए, हम हैं आपकी सेवा में। इसीलिए सरकार हमें तनख्वाह देती है, पब्लिक और पुलिस का मिलजुल कर रहना अच्छा है, ये समाज के लिए अच्छा है। और तुम्हें लाइफ में कभी इतनी पब्लिसिटी मिली थी? हीरो बन गया वो। तुझे अंदर कर दूंगा तो मैं भी हीरो बन जाऊंगा, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्या कंट्रोल करूं, अच्छी बात उसकी समझ में नहीं आती, वो पुलिस वाला थोड़ी है छे, बल्कि एक गुंडा है, उसके बारे में सोचना ही बेकार। क्या बेकार है, तुम छोड़ दो मुझे, उसी के बारे में सोचता हूँ। तुम पियो, पियो। हाँ पियूंगा ही। शिवणी 9848022238। एनी प्रॉब्लम? जमीन जायदाद चोरी, किसी ने लड़की को छेड़ा, सताया, गुंडागर्दी की, तो फौरन मुझे बुलाइए। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कीजिए। फोन करने से आओगे क्या? फोन करने पर नहीं आऊंगा, इस पर शक मत कीजिए, हम तनख्वाह ले रहे हैं आप ही के लिए। बातें नहीं बना रहा हूँ, सचमुच आऊंगा। तो है कौन रे बाबू? ऐसा मत सोचिए, आप लोगों से संबंध बनाने के लिए ये इंटरव्यू प्रेषित किया जा रहा है। मैं आपका दोस्त हूँ, पुलिस से दोस्त ना कीजिए। यू कैन सी शिवमणि पुलिस ऑफिसर है, तो मैं आपको एक बार और अपना नंबर बता देता हूँ, 9848022। क्या बात है, बस नहीं आई? डोंट वरी, मेरे पास बाइक है, ड्रॉप कर देंगे। थैंक्स भैया। भैया, जीजा, मेरी बहन कैसी है? बड़ी मीठी चीज है रे। तो रख ले, कहीं सिनेमा ले जाकर मौज मस्ती करो, घूमो फिरो। सिनेमा दिखाऊंगा, किस्मत खुल गई, जा। Come on, baby। अरे जीजा बहुत अच्छा है, उसकी बाइक है, साथ में जाकर मजे से आइसक्रीम खिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। जीजा एक काम करो, तुम मेरी बहन को ले जा और मैं तेरी बहन को ले जाऊंगा। आपका इंटरव्यू देखकर ही आपको फोन कर रही हूँ। यहाँ 5 नंबर बस स्टॉप पे दो लड़के छेड़ रहे हैं, कुछ भी होने से पहले आप हेलो हेलो आप फोन कीजिए, हम तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले फोन कट कर दिया। शिवमणि 9848022238। ये सब जरूरत नहीं, समय बर्बाद मत करो। बिल्कुल सही बोल रहा है यार, भैया भी नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल करेंगे। चलो क्या है? बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को, छेड़ रहा है इसको। अबे कौन है तू? शिवमणि अब्दुल। 9840022238। इधर आ रे, याद था ना तेरे को, इसके बाद भी छेड़ा। पता तेरे बाप का नाम क्या है? बोल, चुप है, चुप, बोल, चुप, छेड़ेगा, छेड़ेगा, लड़की को छेड़ेगा, बोल, छेड़ेगा लड़की को। नंबर याद है, अंजाम भी याद कर ले। डेटोतार, 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 बोलो ना। निकालता हूँ सब। तू भी उतार। माफ कर दी सर। समझे? लड़की को छेड़ेगा, लड़की को छेड़ेगा। चल, 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 ऐसा नहीं करेंगे सर, ऐसा नहीं करेंगे सर, माफ कर दीजिए, आपसे ऐसा नहीं करेंगे सर, प्लीज माफ कर दीजिए सर। हाँ, जिस किसी ने भी फोन किया था, थैंक्स। फिर कभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो फोन करना, मैं आ जाऊंगा। ओके ओके, तुरंत दे दो। ए खान, कोई 2 लड़के एक स्कूल मास्टर का स्कूटर चोरी करके मापसा की तरफ जा रहे हैं, जा पकड़ो उन्हें। तुम इसे कह रहा हो, क्या हुआ? वो मैटर बाद में, पहले ये मैटर देखिए।
आपका ट्रांसफर ऑर्डर सर, मापसा से 2 किलोमीटर दूर छोटे से गांव में, उधर ट्रांसफर कर दिया है साहब। आप जा रहे हैं तो मुझे बहुत फील हो रहा है। ज्यादा फील करने की जरूरत नहीं है, तुम कैंसल ऑर्डर ही चाहते हो ना, आ जाएगा। तुम्हारे पणजी जाकर लौटने तक टेबल पर होगा। हर घर में एक पिछवाड़ा भी होता है बच्चे, जो कभी कभी काम आता है। मैं अभी वही कर रहा हूँ। क्यों जाओ? यस सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दत्तू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। ये हाथ पहले ही मिलाते तो तुम्हारे ट्रांसफर नहीं होती। मैं तो अभी भी हाथ नहीं मिला रहा हूं। छोड़ो। तुमने जिसको फोन करके ट्रांसफर करवाया है उसी को फोन करके ट्रांसफर रुकवाओ। छोड़ो जल्दी। तुम ट्रांसफर करवाओगे मैं कागज हाथ में लेकर चला जाऊंगा। कहा था ना मैंने बेल्ट खोला तो तुमसे बड़ा गुंडा हूं। जान बचाना चाहता है तो फोन कर। ए, रुको ना रुको। अरे कोई मंत्री को फोन लगाओ जल्दी। हेलो इंगे जा रहा है। फिर से कॉल। जल्दी मंत्री को दूसरे लाइन पर फोन लगाओ। कर रहा है कर रहा है। अच्छा दत्तू जी से बात करो। भैया भैया हेलो। दत्तू हैप्पी बर्थडे। हेलो कि आप बाहर में मेरी जान खतरे में है। तो पार्टी कब दे रहा है? पार्टी के बाद बाद में। पहले इंस्पेक्टर शिवानी का ट्रांसफर रोक दो। क्या? क्यों बाद में बता दो, पहले जो बोला वो कर। ठीक है ट्रांसफर कैंसिल कर रहा है वो। ए, मेरे थाने पहुंचने तक कैंसिल ऑर्डर टेबल पर होना चाहिए, समझा? ये क्या किया आपने? उसके कहने पे फोन कर दिया। आप कहो तो उसको बम से उड़ा दूं। सुन बे, तू तो मेरा ट्रांसफर नहीं करवा सका, अब मैं तुझे शहर में नहीं रहने दूंगा। तू बम लगा। हेलो शिवमणि यार। हेलो बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं। हाँ आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। वही प्रॉब्लम है। देखो बहुत से लोग मुझे जरूरी फोन करते हैं, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है नहीं करूंगी। आई लव यू। व्हाट? आप भी आई लव यू कह दीजिए तो एक काम आसान हो जाएगा। ए, देखो मैं थोड़ा पागल हूँ, मेरे बारे में सोचना बंद करो और सो जाओ, समझी? आपके बारे में मतलब? वही आई लव यू कहना। क्या कहना? आई लव यू। थैंक्स। अरे इसने तो मुझसे आई लव यू बुलवा ही लिया। मेरी कसम खाकर कहो इस साल तुम शादी कर रहे हो। माँ ये क्या कह रहे हो, भगवान के सामने कैसी बातें कर रहे हो? अच्छी लड़की मिलेगी तो कर लूंगा माँ। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें बताओ? अब कैसे बताऊँ कैसी होनी चाहिए? देखने में अच्छी होनी चाहिए, आंख नाक सलामत हो, हाथ पैर भी हो तो बेहतर है। ऑडियो कैसेट। ये यहाँ क्या कर रही है? उस दिन ध्यान से नहीं देखा था, हाथ पैर तो सही सलामत है। क्यों रे? वो लड़की पसंद आई? पसंद आई मतलब देखने में ठीक ठाक है। ठीक है तुम जाओ। और तुम? मैं आती हूँ, तुम जाओ जाओ भी। मेरे अंगने में। बैठो 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 बैठो। खाते समय उठना नहीं चाहिए। मुझे दे रहे दे रहे। आम का अचार अच्छा है रे, और थोड़ा दे दे। बीवी ने बनाया क्या? क्यों रे काम बंद कर रहे हो क्या? हाँ भैया
काम छोड़ना चाहता हूं। तेरी तो करे शिवमणि से डर गया क्या? गलती तुम्हारी नहीं है, आदमी बदलने का असली कारण औरत होती है। भैया छोड़ दो उसे, भैया छोड़ दो भैया। तू नहीं जानता रे, मर्द को यही बर्बाद कर देती है। भैया उसका कोई कसूर नहीं है, भैया छोड़ दो उसको। भैया तू तेरा है ना, क्या रे तुझे क्या कमी किया मैंने? खाने को खाना, रहने को घर, और चाहो तो इससे शादी भी करवाया। अब सब कुछ मिल गया तो ईमानदार बन गया। ईमानदार मार डालूंगा, कहीं का नहीं रखूंगा। कल 10 बजे से पहले काम पर आ जाना, चलते हैं। आम का अचार बहुत अच्छा, बिल्कुल तेरे जैसा। अगर वो तेरी बात ना माने ना, आ जाना, रख लूंगा, पेट भी भर दूंगा रे तेरा। नहीं भैया, सोच ले, बीवी को बर्बाद मत होने देना। मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूं सर। दत्तू के सब धंधों के बारे में मुझे पता है, उन सब का गवाह मैं ही हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन उसे छोड़िएगा मत सर। तुमने गाना किससे सीखा? अरे मनी, ये वसंता मेरी मंदिर की दोस्त। बाथरूम सिंगर तुम? ये आपका घर है? हाँ। ₹500 नहीं, ₹1000 दिए थे। ये क्या बेटी, तुम पैसे क्यों दे रही हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ, एक बार म्यूजिक शॉप में मिले थे। ओ, इसे गाना बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छा गाना गाती है। सुनो बेटी, उस दिन मंदिर में जो गाया था उसे सुनाओ ना एक बार। मामा, ये क्या कर रही हो? अरे जरा रुको तो, मेरी बात सुनो। अरे क्या बात है बताओ भी? इस लड़की को क्यों लेकर आई हो? तुम्हें ये लड़की पसंद है ना, इसलिए इसको घर लेकर आई हूँ। माँ, इसको वो बात बता दी क्या? अब तक तो नहीं, अब बताओ। जब से इसे मंदिर में देखा है, बहू बनाने का मन कर रहा है। तुझे पसंद है, एक दूसरे को जानते भी हो, देखो कितनी चीजें मिल रही है ना। बेटा तुम गाना पसंद करते हो और वो अच्छा गाना गाती है, कितने विचार मिलते हैं तुम दोनों के। बेटी वो मंदिर में जो गाया था वो गाना नहीं था। मैंने उसका गाना सुना था, बहुत खराब गाती है, उसकी आवाज हम लोग नहीं सुन पाए। हमारी इतनी शांत जिंदगी है, उसे लाकर अशांति मत फैलाओ मेरी मुँह। की महिमा हो सॉरी, माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा गाती हो। दुखी कर दिया ना, सॉरी यार, वेरी सॉरी। ओके, बुरा मत मानना मेरी बात का। ओके, कॉफी पियोगी? माँ अच्छी सी कॉफी बना के लाना। माँ बहुत अच्छी कॉफी बना दी है। ओके सॉरी। हाँ हाँ, I like very much. I like your voice. You are very nice. Hello? Hello? I love you. Huh? I love you. देखो, पहले एक लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है, ऊपर से तुम परेशान मत करो, समझ गई ना? तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, फोन रख दो। मतलब आप उस लड़के से प्यार नहीं करते? तो मैं उससे पूछोगी तो क्या बताऊंगा? उससे प्यार किया है, नहीं किया है, करने जा रहा हूँ या ऑलरेडी कर लिया है, छे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। प्यार करते हैं या नहीं बताइए ना। ए जबरदस्ती पूछोगी तो कहना पड़ेगा किया। हाँ प्यार किया है, अब क्या तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, किसी और को देख लो, फोन रख दो। वेलकम, थैंक्स। थैंक्स क्यों बोली? कहीं ये तो
फोन किया था? क्या फोन? और मैं नहीं, तो इससे पहले कभी किया था? माजी, मैं चलती हूँ। वेट 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 वेट, रिडायल करने तो अभी पता चल जाएगा। सोना
भी तुमसे यार जुदा नहीं होना। छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो, आज मेरी शादी का दिन है, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, आज मेरी शादी का दिन है, छोड़ दो मुझे, आज मेरी शादी का दिन है, मैं तुम्हारे पांव पड़ रहा हूं। गवाह बनना इतना आसान समझा है क्या? हैप्पी वेडिंग डे। फोन किसने किया जानते हो? तुमने देखा है? तुमने नहीं बताएंगे। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने देखा है, लेकिन आप नहीं बताएंगे क्योंकि डर है कि वो मार डालेगा। 10 लोग बताएंगे तो क्या 10 लोगों को मार डालेगा? 50 लोग बताएंगे तो 50 को मारेगा? बोलिए, शिव मणि का विश्वास कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए और मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो इस कुआ में नहीं रहेगा। साहब, मैंने नहीं देखा, फिर भी गवाही देने को तैयार हूं। वो दत्तू गोवा में नहीं रहना चाहिए, उसे गोवा छोड़ के भाग जाना चाहिए। मैं गवाही दूंगा साहब, मैं गवाही दूंगा। मणि सब लोगों से गवाही ले रहा है, 100 तक दस्त और तुम पर केस बना रहा है। भैया, शिवमणि की माँ, मैंने अपने आदमी को मार दिया तो दस्तखत लेगा ना, मैं उसकी माँ को मार दूंगा, देखता हूँ कहाँ से गवाही लाएगा। बांगड़ू, क्या ख्याल है? बेटा कहीं भी हो जाके बोल, दत्तू से मत टकरा, काट के रख देगा। ये अदालत दत्तू वल्द अप्पू को शशि बाबू के कत्ल के गवाह को किडनैप करने के जुर्म में 5 साल शहर से कड़ी पार करने का पुलिस को हुक्म देती है।
टुच्चे के घर भेज दिया, तेरे बाप को अकल नहीं है क्या? जाओ कोचिंग जाओ। पार्शियल पैरालिसिस, फिजियोथेरेपी करवानी है। केरल में पैरालिसिस का अच्छा ट्रीटमेंट होता है, इसी कारण बहुत लोग वहां आते हैं। कल मैं कोचिंग वापस जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, माजी को वहीं दिखाएंगे। क्यों माँ, चलोगी? प्लीज आंटी चलिए ना, मैं आपकी देखभाल करूंगी, आप जरूर ठीक हो जाएंगी। कितना वक्त लगेगा? फिकर करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोई खास बात नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगे। बेटी आप लोग केरल में कब से रहते हो? हमारे पापा को यहाँ आए हुए 25 साल हो गए। उस समय हार्बर पर छोटा सा काम शुरू किया था। आज CVS कंपनी के मालिक हैं। 100 से ज्यादा बोट्स हैं, बड़ी कंपनी है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैडम चेरी, मुझे एक बार तुम्हारे घर ले चलो, तुम्हारे पिताजी से बात करनी है।
बहन गया, तूने क्या कमाल किया, तेरा हुस्न मेरा दिल चुरा गया। नींद गई चैन गया, तूने क्या कमाल किया, तेरा हुस्न मेरा दिल चुरा गया। तेरा दीवाना हुआ रे रे, आशिक मस्ताना हुआ रे रे, तू तो दीवाना हुआ रे, आशिक मस्ताना हुआ रे। सुन 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 दे रे, हो मीठी गड़बड़े। भरे दिल ये सारी रात जगे, ऐसी हाय तेरी मस्ती चढ़ी रे। डॉक्टर बुलाओ, चेकअप कराओ, तेरे लिए आह भरे दिल ये सारी रात जगे, ऐसी हाय तेरी मस्ती चढ़ी रे। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं यहाँ कैसे हूँ यही ना? अब तुम अपना हाल देखो, ये मेरा गांव है, बूढ़ा मार्केट नहीं कि तुम जो चाहे करो। बहुत अच्छा हुआ तुम कोचीन आ गए, सोचा था अब तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, मगर अब कबड्डी कबड्डी खेलूंगा तेरे साथ। नहीं। तुम्हें क्या हुआ, उसे प्यार हो गए क्या? ओए, तेरे काम का बदला लूंगा, मेरा चैन छीन लिया, दिखाऊंगा कि दत्तू किसे कहते हैं। चलो रे। आप जितना चाहे मार लिया जीजा जी, ये बात बिल्कुल सच है, वो कोई और नहीं, ये वही है जिसने मुझे झूठे केस में फंसा कर तड़ी पार करके यहां भेज दिया है। ये आपकी दया है जो मैं यहां जी रहा हूं, मगर घर की इज्जत को बर्बाद होते मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ए, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। क्या नहीं है? आपकी बेटी उसे गोवा से यहां लेकर आई है, देखना है तो जाकर देख लो, गांव से दूर गेस्ट हाउस में रखा है। ए, तेरी बात झूठी गई तो मार डालूंगा तुझे। मार देना, मार डालो। एक दिन वसंता और शिवमणि घूमने गए, दोनों बहुत खुश थे, जिंदगी के हसीन सपनों में खोए हुए थे। आधी रात को पूरे बदन पर चोट के निशान लिए शिवमणि घर पहुंचा। शिवमणि और वसंता चार दिन तक दिखाई नहीं। उसकी माँ को मार दिया करके बहुत गुस्से में गौरी शंकर के घर गया, लेकिन वहां न तो वसंता थी न दत्तू कहीं नजर आया। अब तक 2 साल गुजर गए, इन 2 साल में उन लोगों का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम।
शिवमणि अपनी नौकरी छोड़कर वसंता को ढूंढते हुए यहीं रह गया। तो फिर समंदर में गए उन चार दिनों में क्या हुआ था? मालूम नहीं, ये बात कितनी बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। अरे, चार दिन पहले बॉटल में प्रेम कहानी का जो कॉलम आया था ना, वो अपने शिवमणि के बारे में है। जब तूने बस स्टॉप पे बदमाशी की थी तो पुलिस स्टेशन में तेरी धुलाई की थी, वही शिवमणि। उसी धुलाई की वजह से तो अपन सुधरा है। वसंता और शिवमणि के बारे में कुछ छपा है आता तो? दिखा तो। अरे बाप रे, कहां गया है? देखो, कोचिन में है। अरे प्यार में पड़ गया है, बड़ी आश्चर्य की बात है। अरे ये कोई मामूली प्यार थोड़ी है, ये तो टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। हेलो, अरे यार पेपर में पढ़ो ना, बार बार शिवमणि शिवमणि करके क्यों परेशान करते हो? अगला एडिशन जल्दी आएगा, उसमें शिवमणि और वसंता की कहानी पढ़ लेना। ये शिवमणि का नंबर नहीं है, एक्सटेंशन 4 पे बात कीजिए। एक्सटेंशन 4 ही है मैम, छापेंगे मैम, इसलिए तो पेपर रखा है। मैम आप बाद में फोन कीजिए, प्लीज फोन रखिए अभी। हेलो चारी जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ मैम, मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा। चारी जी, मैं कोचिंग क्यों आई थी? चारी जी मैं जानती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया। तुम जल्दी से कोशिश करके शिवमणि और वसंता को अपने साथ लेकर आइए मैम। ए, मेरी बात गौर से सुनो, मैं आज ही गोवा में आया हूँ और एक हफ्ते रहूंगा। एक इमरान भी इस समय गोवा में है। इस हफ्ते 10 करोड़ की डील होनी चाहिए पर मैं नहीं मिलूंगा, वो भी मुझसे नहीं मिलना चाहता है, सारी डील फोन पर ही होगी। मैंने अभी अभी नया फोन लिया है, उसको नंबर दे देना और किसी को मत बताना। नंबर नोट करो, 9848022338। शिवमणि को कैसे कांटेक्ट करें? एक काम करें, फोन करके देखते हैं। ओके। हेलो शेखी मैम, शिवमणि जी बोल रहे हैं, मैं आपका फैन हूँ सर। हाँ सर। सर पुराने मार्केट में बात हुई थी, मैं आपका फैन हूँ सर। मेरा कोई फैन नहीं है। सर आप अपने बारे में नहीं जानते, आपके बहुत फैन है सर। मुझे अपने बारे में मालूम है, तूने रॉन्ग नंबर लगाया, रख दो फोन। सर 9848222338 नंबर वही है, फिर भी रॉन्ग नंबर है, फोन रख दो। सर रख दिया। जी इमाम सर, आपकी कहानी पेपर में आई है। मेरी कहानी? क्या मतलब? वही सर, वसंता और शिवमणि की लव स्टोरी, पेपर में देखा सर। ये शिवमणि बीच में कहां से आ गया? रॉन्ग नंबर लगाया, रख दो फोन। सर सर रख दे। ये क्या सर? ठीक है मैम। सर आप कोचिंग में क्या कर रहे हैं सर? तुझे क्या मतलब है, मैं कहीं भी रहूं तुझे क्या? आप गोवा कब आओगे सर? गोवा क्या तेरी आर्थिक ठाने आओ? सर ये 9840222338 9840222338 फोन रख दो। सर 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 कहते हैं रख दो फोन। ठीक है मैम, कोचिंग में नहीं है, मापसा में नहीं है, पणजी में नहीं है, गोवा में भी नहीं है, कहां हो सकता? नहीं तो वारंगल में ट्राई करने से? वहां नहीं होगा, उसे किसी न किसी आइलैंड पे ही होना चाहिए, जरूर मिलेगा। हेलो सादिया, पेपर में क्या है, ये बोतल का क्या चक्कर है? बोतल में तुम वहां क्या कर रहे हो? पेपर में तेरे बारे में छपा है, मालूम है? मेरे बारे में? कोई पल्लवी है, उसी ने पूरा मैटर लिखा है। पल्लवी? क्या हुआ? बुखार है, सर्दी बुखार, यह नहीं होना। दवा देने वाला भी कोई नहीं है। मर भी सकती हूँ, अगर मैं मर गई तो प्लीज मेरे घर पर फोन करके मेरी लाश पहुँचा दीजिएगा। आप बहुत अच्छे हैं, छोटी सी हेल्प कीजिए ना प्लीज। रजनी से दवा भिजवा देता हूँ, खा लेना। तुम इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो। अंदर कोई है? शिवमणि को तुमने बताया था कि तुम्हें बुखार आ गया है, अच्छी तो हो? बुखार उतर गया है। तो ये फिर आएगा तो ले लूंगी, उधर रख दो।
रात को रूम में कौन कौन रहते हैं भैया? बहना, कॉटेज में दिन में अगर दो रहते हैं तो रात में भी दो ही रहेंगे ना, तीन नहीं होंगे ना भैया? हाँ बहना, तुम वाकई में बहुत इंटेलेक्चुअल हो। इट्स माय नेचर। आज एक रात के लिए तुम्हें बीच में सोने में कोई एतराज तो नहीं है? मैं क्यों सोऊंगा? मतलब पैसे देखने से कॉटेज छोड़ के जाऊंगा क्या? मुझे उल्लू समझ रही हो? तूने समझ क्या रखा है मुझे? 500 का नोट, 100 का नोट समझ के मुंह में जो आया बोल दिया, थैंक यू। अब बोलो मुझे क्या करना है? तुम एक क्वार्टर ले लो, एक बिरयानी खाओ और बाकी पैसा रात भर खर्च करो। आज रात इस कॉटेज के आसपास बताना। वैसा क्यों? बंद करके निकल जाओ। बहना, टेंशन होने पे पूछ रहा हूँ, उन्हें क्या करना चाहती हो? फाइनल रिक्वेस्ट, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है, रफ हैंडलिंग मत करो, सेंसिटिव पर्सन है, ऑल द बेस्ट। ओके। कहाँ जा रही है बहन? अभी से कॉटेज जाकर क्या करेगी? अब क्या हो गया? क्या हुआ? बुखार बढ़ गई है। अकेली हूँ ना, डर लग रहा है। ऊपर के रूम में बड़े बड़े मच्छर मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ओ, मच्छरों की आंख दिख गई क्या? मलेरिया मच्छर ने काटा और मैं मर गई। तो आज रात को मैं यहाँ सो जाऊं? आओ, दवा खा ली? खाई हूँ। जाओ सो जाओ। क्या कर रही हो? उसके पलंग पे जाके सो जाओ। रजनी की छी, डर्टी फेलो, उसको किताबें बीमारी है। उसके पलंग पर सोने से बेहतर है कि मैं अपने रूम में मच्छर के साथ सोऊं। ए रजनी, कहाँ हो? ए वो एक क्वार्टर पीकर बिरयानी खाकर बीच पर सो गया होगा। तुम्हें कैसे पता? गेस किया था। ठीक है सो जाओ। कहाँ है बुखार? टेम्परेचर तो एकदम नॉर्मल है। लो फीवर है, वैसे ही रहेगी। क्या तुम्हें कभी ऐसे नहीं हुई? तुम ऐसे आंखों में आंखें डालकर मत देखो, मुझे भी फीवर आ जाएगा। आंख बंद करो और सो जाओ। किसी की बच्ची है आशिकों।
शोला हम मुझसे जो खेला तू चल जाएगा रे चल जाने दे तू है जल्दी शमा परवाना मैं जल जल के भी तुझको ही चाहेंगे अपनी ये जिद तू छोड़ दे रे आ दिल से दिल को तो तू जोड़ ले रे अपनी ये जिद तू छोड़ दे रे तैयारी कर लिए ना बोट में मनी आने वाला है फिर हम लोग चलेंगे शिपिंग करने सब कर दिया हूँ साहब बैठो तुम हाय हेलो तुगली रात की बुखार का कुछ फायदा मिला क्या पहले हाथ तो दो क्यों बोट पर चढ़ने के लिए हम गरीब लोग हैं ना न जाने हमें क्या क्या बीमारियाँ हैं आपको भी लग जाएगी ए, पहले मुझे बोट पे लो हाँ इसी की कोई कमी नहीं संभल के संभल के तो तुम रात को कॉटेज के बाहर ही सोए थे ना? ओहो, सबको सुना है ना? हाँ, ऑडियो के साथ साथ थोड़ा वीडियो भी देखा ओए, ऐसा करो तुम नीचे उतरो पहले नीचे उतरो तुम अरे अरे सुनो ना बाबा रुको रुको कहाँ उतारो मुझे बाप रे वो चली जा रही है टाटा अरे ए, सुनो सुनो अरे तेरे पाप पड़ता हूँ अरे रुको सुनो सुनो बहना नहीं मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो अरे सुनो मुझे भी ले चलो भैया कह कह के मुझे उल्लू बना गई क्या रे आज तो तेरे घर में सब ठीक है ना कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है साहब ए रजनी पार्टी लेकर आ ए तुम यहाँ क्या कर रही हो रजनी कहाँ है रजनी जब देखो रजनी 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 इतने दिनों से साथ रहते हैं कम से कम मुझसे नाम तो पूछ लिया होता तेरे नाम से मुझे क्या लेना हम दोनों के बीच पहचान बढ़ाना है तो कम से कम उससे नाम तो पूछ लो बात क्यों नहीं करते मुझसे दोस्ती करोगे तुम कौन हो कहां से आई हो मैं कुछ नहीं जानता फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम मुझे पसंद हो आई लव यू लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करता किसी और लड़की से करता हूं मैं जानती हूं मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी इसलिए मैंने ऐसे कहा पसंद है ना रजनी ने बताया बहुत दुख हुआ तुम्हारी पूरी कहानी जानती हूँ तुम वसंता के साथ कहीं गए थे ना क्या हुआ था वहाँ एक दोस्त समझकर पूछ रही हूँ बताओ ना प्लीज
उस दिन भी मैं और बसंता ऐसे ही बोट में घूम रहे थे। उस दिन हम सारी दुनिया को भूल गए। लेके जगह बोट में डालो। ऐसा है रे, दर्द हो रहा है ना? मुझे बेइज्जत किया था ना गोवा में, मुझे रोड पे घुमाया था ना बेइज्जत करके, मेरी इज्जत का जनाजा निकाला था ना रे। तेरी तो दत्तो, मैं इसका काम तमाम करता हूं। लाओ, मुझे मेरी बेटी मिली थी। मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मत मारिए, मारिए। मेरी बेटी मुझसे छीनना चाहता है। नहीं पापा। सर फोड़ दूंगा तेरा तो। रुको, नहीं, हमें इसे मारने की जरूरत नहीं। इसे यहीं अकेला छोड़ दो, यहाँ कोई नहीं आएगा। चलो रे, चलो सर। चार दिन तक उसी हालत में बंधा रहा। उसके बाद अचानक कोई टूरिस्ट बोट में आया और उसने मुझे बचा लिया। लेकिन तब तक उन बदमाशों ने मेरी मां को मार डाला था। मेरी मां को मार डाला और बसंता का पता नहीं चला। और उसके बाद रजनी के बताए अनुसार मैं ढूंढता हुआ बसंता के घर गया था। कहाँ है? हाँ? हाँ?
बोल बसंता कहाँ है? बता बसंता कहाँ है? कहाँ छुपाया उसको? बोल। कहाँ छुपा रखा है? मालूम नहीं। कहाँ है? जानते नहीं सर। ए, पता कहाँ है? पता, पता, बोल, बोल, पता, पता वो सदर कहाँ है? बोल, हाँ, हाँ, मालूम नहीं साहब, को कहाँ छुपाया है? मालूम नहीं साहब। मेरी माँ को क्यों मारा? मालूम नहीं साहब, कहाँ ले गया? बोल सब तुम कहाँ है? मालूम नहीं। कहाँ जाएंगे वो? कल तो आएंगे ना, परसों तो आएंगे ना। यही रहूंगा, यही रहूंगा, उन लोगों के आने तक यही रहूंगा। दो साल से वो वापस नहीं आए। वो लोग कहाँ गए, कहाँ रहते हैं, कुछ भी मालूम नहीं। इस तरह बसंता मुझसे दूर हो गई। उस दिन बसंता मुझसे कुछ कहना चाहती थी, कोई बोतल फेंकी थी उसने। कितना ढूंढा पर वो बोतल नहीं मिली। बसंता ने उस बोतल में क्या लिखा था बहुत सोचा, लेकिन समझ में नहीं आया। माँ को मार दिया मेरी, बसंता दूर हो गई। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढू बसंता को? इसलिए बसंता के वास्ते यहीं रह गया। उसे कुछ नहीं होगा, बसंता आएगी, हम मिलेंगे फिर से, हम मिलेंगे। तुम दोनों हर बार कहाँ मिला करते थे? बीच पे, गोवा के बागा बीच। भैया तुम मनी के दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें सब बताया। तो बोतल के बारे में बताओ ना, दो साल से वो पागल जैसे भटक रहा है। ये अन्याय है, तुमने हमारे साथ रहकर भी नहीं बताया। लेकिन मणि को उम्मीद है कि वो कभी ना कभी जरूर आएगी। अगर वसंता को कुछ भी हो गया तो मणि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए तो मैंने उस लेटर के बारे में कुछ नहीं बताया। पहले वसंता कैसी है और कहाँ है हमें मालूम करना होगा। तब तक मणि कुछ भी ना जाने तो ही अच्छा है। उन दोनों को हमें कैसे भी मिलाना होगा। मनी की तुम अच्छी तरह से देखभाल करना, मैं समय समय पर फोन करती रहूंगी। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। इसे प्रिंट कीजिए। मैम एक बोतल ने आपके अंदर कितना परिवर्तन लाया है। It's not a bottle, it's love. उन दोनों को कैसे भी मिलाना है। Sincerely try करेंगे हम। मैं शिवमणि नहीं हूँ। शिवमणि मैं नहीं हूँ। शिवमणि का दोस्त भी नहीं हूँ। मैं शिवमणि से कभी मिला भी नहीं। मुझे शिवमणि कभी नहीं मिला। ये 9848022338 है, लेकिन ये मेरे अपने पैसों से खरीदा हुआ फोन है। ये शिवमणि का नंबर है ना सर? Shut up! फोन नहीं है, कह रहा हूँ ना, फोन रख दो। आप भड़क क्यों रहे हैं सर? कौन भड़क रहा है भाई? इज्जत से बात करो सर। इज्जत से क्यों रहे? तुम सीखो इज्जत। रख दो फोन। नहीं रखूंगा। नहीं रखोगे? नहीं रखूंगा। तो मैं रख दूंगा। रखो। रख दूंगा। क्या आदमी है? चोर गुमनाम।
पसंद था। मैम क्या वो लड़की जरूर आएगी? वो जरूर आएगी। इन 2 सालों में वो कहीं और तो नहीं चली गई होगी? ए, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को उस दत्तू के बच्चे ने बहुत तकलीफ दी है। अरे जरूरत पड़ी तो अपने पुराने मार्केट के लड़के मिलकर उस दत्तू का सर फोड़कर भी उन दोनों को मिला देंगे। उस शिवामणि के रहते हुए पुराने मार्केट और गोवा में कितनी अमन और शांति थी जो अब नहीं है। देखो प्यारे, मैं भी हूँ उस वेंकट लक्ष्मी से एक बार शादी करूंगा, एक बार प्यार करूंगा, एक बार माँ नहीं मान रही, एक बार पापा मान रहे, देख कर सीखो, सीखो उससे, सीखो। शेख इमाम सर, आपके जाने के बाद गोवा पूरा खराब हो गया है। सर जल्दी आइए सर। शेख इमाम सर, आपके लिए हम जान दे देंगे। हाँ दे दो। आप हिम्मत से रहिए सर। हाँ रहूंगा रहूंगा। आप डरो मत सर। शेख इमाम मैं सत्यनारायण हूँ सर। इससे पहले हम पुराने मार्केट में मिले थे, तुम्हारी कहानी सुन के बहुत दुख हुआ सर। तो मर जाओ ना, मर जाओ। हाँ शेख इमाम सर, हमको बहुत फील हो रहा है, आप दोनों का मिलन होना चाहिए। आ जाओ, हम लोग मिल जाएंगे। आ जाओ आ जाओ। सर हेलो। हेलो कहाँ हो? यहाँ शिवमणि और बसंता की कहानी गूंज रही है। गोवा के पूरे लड़के आकर कहीं तुम्हें मार न डालें, ऐसा है यहाँ का हाल। बसंता को कहीं छुपा दो, नहीं तो और कहीं लेकर चले जाओ, लेकिन वहां मत रहो। क्या छुपाऊं? वो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? ए, मर गई। उसको मरे कुछ महीने हो गए। यारे, तूने ठीक से देखा था ना, वही थी ना वो। अगर वो पल्लवी होगी तो वह शिवमणि से जरूर मिलेगी। क्या चारों तरफ देख लो। ए छोटे सुन, यहां किसी झक्कास लड़की को देखा है क्या? कैसी दिखती है? एक लड़की है, मॉडर्न ड्रेस में, पल्लवी नाम है उसका, रिपोर्टर है वो। हाँ हाँ देखा देखा। कहाँ देखा तूने? कोट्टायम कॉटेज। कोट्टायम कॉटेज? हाँ कोट्टायम कॉटेज में। इधर आ सुन, कोट्टायम कॉटेज में जा, जरा देखना तो वहां पे क्या है। सुन सुन सुन, वहां शिवमणि होगा। ठीक है भाई, बच कर रहना, जा जल्दी जा। जरा बेटी लीजिए। वहाँ कोई नहीं है भाई, वहाँ कोई नहीं है भाई। पता करो रे, उसकी गर्दन दबा के मार डालो रे। बच के रहने को बोला था ना, देखो वो आ रहा है, चलो। बात बतानी है, पल्लवी यहां क्यों आई थी तुम जानना चाहते हो? ए!
बाकी जानवर। पहले से ही मैं शेख इमरान की टेंशन में हूँ और बीच में आप लोग परेशान कर रहे। ऐसी कैसी बात करो तुम? हड्डी तोड़ दूंगा बदमाश। कितनी बार कहूँ ये सेल मेरा है, सुनाई नहीं देता। मोबाइल तेरे पास शिवमणी कहाँ गया? शिवमणी को मार दिया, मार डाला। मार डाला? हाँ मार डाला। उसको मार के उसका सेल फोन देख लिया, आओ खा ले। तू वो दत्तू तो नहीं है? हाँ दत्तू ही हूँ। मेरा नाम बीबी दत्तू है। वो क्या कर लेगा, गोली मारेगा मुझे? शिवमणी को मार डाला? हाँ मार दिया। शिवमणी को मार डाला? हाँ मार दिया। शिवमणी को मार डाला तूने? हाँ मार दिया। देखे माम। शिवमणि जी हैं क्या? आप बाथरूम में नहा रहे हैं, एक घंटे बाद ट्राई करो। ऑल राइट। वसंता है ना? है ना? सच बताइए, आप वसंता है ना? शिवामणि और वसंता की प्रेम कहानी रोज पेपर में आ रही है, आप पढ़ती नहीं है क्या? आप सचमुच में वसंता नहीं हो? कैसेट कम से कम एक शॉप में तो होनी ही चाहिए। मेरी लाइफ का एम्बिशन यही है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा गाना कम से कम एक को भी पसंद आए तो मेरे लिए काफी है। ऑफ कोर्स, जैसे कि आपको पसंद नहीं है। ए, मुझसे वादा करो ना, रोज मेरे सामने एक गाना गाओगे? जिंदगी भर गाना गाना, बुढ़े होने के बाद भी एक बुढ़ी का गाना हंसते हुए सुनता रहूंगा। ओके ओके, गाना गाओ। अभी तुम साथ ना छोड़ देना कभी, मर जाओ मेरी कोई।
कसम है तुम्हारी कसम, चाहूंगा तुझको तो मैं मर के भी। पागलों की तरह इंतजार कर रहा है। अपनी माँ को खो बैठा, अपनी नौकरी भी गवा बैठा, मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा कहकर वो आपके लिए, सॉरी वसंता के लिए वो वहीं रुक गया। अगर आप वाकई में वसंता नहीं है तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप वसंता है तो ये दुनिया आपको कभी माफ नहीं करेगी। बोल बे, बोल, बोल, वसंता कहाँ है? तुम यहाँ क्यों रह गई? उससे मिली क्यों नहीं? कहाँ छुपाया वसंता को? बोल। बोल। क्या किया मेरी वसंता के साथ? बोल। मेरे पापा और दत्तू ने गोवा से लाकर मुझे एक रूम में बंद कर दिया था। मैं किसी तरह मनी से मिलने की कोशिश में थी कि एक दिन उन्हें ढूंढते हुए उनकी माँ मेरे घर आई थी, शिवमणि का पता करने के लिए पैर तक पकड़े। मेरे पापा ने मार के उनको बाहर ढकेल दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए दत्तू ने उसे वक्त उनका गला दबाकर उन्हें जान से मार डाला।
जीजा जीजा, आपकी मार की चोट से बुढ़ी मर गई। सही बात जाने बगैर पापा, शिवमणि की माँ की लाश को देखकर समझे कि सचमुच उनके मारने से ही वो मर गई है। अगर शिवमणि आ गया तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये सोचकर वो हमको जबरदस्ती आइलैंड ले गए। मैंने पापा को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की कि दत्तू अच्छा आदमी नहीं है, मगर मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। उन पर झूठा इल्जाम लगा के कहा कि मैं शिवमणि की नजरों से तुम्हें बचाकर तुम्हारा सारा बिजनेस अच्छी तरह संभाल लूंगा। डरने की कोई बात नहीं है, ये कहकर पापा को विश्वास दिला दिया और फिर उसके बाद पापा के आदमियों को डराकर अपनी तरफ मिला लिया, हमारा सारा बिजनेस अपनी मुट्ठी में कर लिया। शिवमणि से दूर रहकर इतने महीने ऐसे गुजारने पड़ेंगे, ये तो मैंने सपने में भी सोचा नहीं था। एक दिन पापा के खास दोस्त ने बताया कि दत्तू हमारी जायदाद हासिल करने के लिए हम सबको मार डालने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त दत्तू भी वहाँ पहुँच गया और पापा के दोस्त को मार डाला। जब पापा दत्तू पर बिगड़ रहे थे तो उस नीच ने पापा को भी जान से मार डाला। पापा! बेटी, ये तुझे मार डालेगा, भाग जा यहाँ से। बच्ची कैसे? कुछ मछुआरों ने मुझे बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। जाके ये पूछना कि तुम मुझसे शादी करोगे मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए अकेले रह जाने का फैसला किया और मणि से दूर हो गई। एक मारवाड़ी के घर काम करके जी रही हूँ। ये तुमने क्या किया वसंता? तुम जिंदा हो और एक दिन वापस आओगी ये सोचकर मणि कितना तड़पता रहा मैं बता नहीं सकती। मणि हमेशा तुम्हारी पूजा करता रहेगा, तुम्हें प्यार करता रहेगा। मैं अभी मणि से बात करती हूँ। दत्तू अंदर है। भाग जाओ दत्तू, दत्तू भाग जाओ, शिवमणि आ गया। Ah! 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 Ah!
रजनी भैया बसंता मिल गई। अरे बसंता जिंदा है। हेलो मणि, मणि मैं पल्लवी बोल रही हूँ। पल्लवी बसंता को फोन दो प्लीज। पहले फोन दो। तुम्हें एक बात बतानी है। प्लीज पल्लवी फोन दो। मणि बसंता बात नहीं कर सकती, बसंता गूंगी हो गई है, वो कुछ नहीं बोल सकती। प्लीज पल्लवी बसंता को फोन दो। अभी वो बात नहीं कर पाएगी मणि। वो बात नहीं कर पाएगी तो भी परवाह नहीं, फोन दो प्लीज। उसे देख के 2 साल हो गए। पल्लवी फोन दो ना बसंता को प्लीज। बसंता 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 बात करो बसंता बसंता मुझे तुमको देखना है बसंता। आई लव यू बसंता। बसंता बात करो बसंता तुम्हें देखना है बसंता बसंता गोवा में शिवमणि और वसंता मिलने वाले हैं और हम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। वो शिवमणि और वसंता मिलने जा रहे हैं, कैसे भी उनसे मिलना है। हे! क्या सर, इतने लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या करना है सर? कुछ तो बताइए प्लीज, कुछ तो बोलिए। क्या है हेलो कौन? ए मैं तत्तू हूँ। क्या, कहाँ हो तुम? यही कॉलेज के कैंपस में। कॉलेज कैंपस में वहाँ क्यों हो? किसी को पता चल गया तो मार डालेंगे, मालूम है? हाँ जानता हूँ। देखो मेरी जान भी चली जाएगी तो कोई परवाह नहीं, उन दोनों को मिलने मत देना। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ओके वैसा ही करता हूँ। ए हटो। हेलो
आप जरा वहाँ पुलिस जीप से कहेंगे? प्लीज मैडम, ऐसे तो हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे मैडम, प्लीज आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए, प्लीज प्लीज हट जाओ यहाँ से, चलो हटो यहाँ से, चलो सब लोग यहाँ से हटो यहाँ से, ए तुम भी क्या करें सर, ये मानते नहीं, जाओ इसे देख के मुझे कुछ शक हो रहा है। छोड़ दो दत्तू, उसका चेहरा एक बार देख लेने दो, देखिए क्या करेगा, देखिए क्या करेगा, उसको देखे हुए 2 साल हो गए, मैं भी यार 2 साल से कुत्ते की तरह जी रहा हूं, आगे आएगा तो इसकी गर्दन काट दूंगा, कोई कसूर नहीं, उसको छोड़ दो प्लीज, उसको छोड़ दो ना।
I love you, Mani. I missed you. ऐसे प्रेमी करोड़ों में कहीं एक होते हैं जिनका प्यार सदा जवान रहता है।